हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और सेफ होंगे। तो अभी अभी मैंने एक अपना वीडियो ख़त्म किया है, उसका लास्ट आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी कपड़ों में सेम ऐसे ही है, एंड किया है। ये मैंने स्टार्टिंग करी है, स्टार्ट तो ये वीडियो काफ़ी देर पहले से था। बच्चे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चे कोई ना कोई रेसिपी तैयार कर रहे हैं, तो महिमा मेरे पास से आज ना मैं गई ही नहीं किचन में। मैंने कहा देखते हैं लोग क्या बना, मतलब बना के खुद ही मेरे पास लाएंगे। मैंने भी कहा कि कल तो मैंने नहीं खाया था, बट मैंने आज कहा कि मुझे खाना है। एक्चुअली मैं हुआ क्या था, कल नैतिक बनाने जाते गार्लिक ब्रेड, तो उसके लिए जो बटर रखा था वो बटर परसों बिट्टू ने खा लिया होगा, तो ये बटर ढूंढ रहे थे, बटर था नहीं, तो इन्होंने उसको नई तरह से इन्वेंट किया। मैं बहुत मना कर रही थी, बेटा ये अच्छा नहीं बनेगा, ये अच्छा नहीं बनेगा, ये माना नहीं, उसने बना लिया। और वो वाकई में जब बन के निकला तो बहुत अच्छा निकला था बन के। तो फिर इन लोगों ने आज नहीं परसों बनाया, आज दो दिन सेकंड टाइम बनाया ना आज, कल बनाया था, उसके बाद सेकंड टाइम इसने आज फिर बनाया। तो आज मैंने कहा था कि मैं भी खाऊंगी, तो आज पूरा एक पैकेट ब्रेड का बना था। आज बड़ी वाली ब्रेड मिली नहीं, ये लोग छोटी वाली ब्रेड लेकर आए थे, और महिमा मेरे पास से फोन ले गई। मुझे लगा फोटोज वगैरह क्लिक करती उसको वही करना होगा, बट वो पूरा एक वीडियो बना रही थी। रेसिपी नहीं दिखाई है, रेसिपी मैं आप लोगों को बता दूंगी, बहुत सिंपल सी है, तो वो रेसिपी मैं आप लोगों को बता दूंगी। बाकी उसने जो जो भी सूट किया होगा वो मैं आगे लगा दूंगी। मैंने अभी नहीं देखा कुछ भी, उसने क्या सूट किया क्या नहीं, बस जो भी है वो मैं इसके आगे लगा दूंगी। मैं पहले इसलिए बता रही थी कि आप लोगों को समझ में आ जाए, अगर मैं डायरेक्ट जहाँ से उसने बनाना शुरू किया वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे दिखाते हैं मैंने क्या किया, और व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो जल्दी से मैं इन सैंडविच की रेसिपी दे दूँ। एक्चुअली मैं बच्चों ने कैसे बनाई थी, मियोनी ली थी, मियोनी में नमक, लाल वो चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और लहसुन को घिस के डाल दिया था। उसको अच्छे से मिक्स करके ब्रेड में अच्छे से खूब ढेर सारा लगा के घी से सेक लिया था, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगती हैं। एक बार ट्राई करिएगा आप लोग। इस साइड लो, इस साइड जल्दी आओ, कुछ बना रहा है। वाव तो तुम अपने से को मेरे लिए छोड़ देना। वाओ, दिखा 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 ये बहुत अच्छे, बहुत 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 शुक्रिया आपका इतनी अच्छी रेसिपी खिलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम रेसिपी कहाँ खिलाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हटो यार, अरे निकालो जल्दी, जल जाएगी। चुप रहो, ये मेरी है दोनों। नहीं है जी, मेरी है, मैंने खाई नहीं, मेरी है, मेरी है। जाओ, कितनी अच्छी, थोड़ा फीडबैक दीजिए। बहुत अच्छी है, सच में अच्छी है। पहले मैं मना कर रही थी, उस दिन गार्लिक ब्रेड बनाने की सोच रहे थे, मैं इस लोगों से मना कर रही थी कि नहीं गार्लिक ब्रेड बिना बटर के नहीं बनेगी, बट नैतिक नहीं माना, इसने बनाया और वाकई रियली बहुत टेस्टी है। क्योंकि कुछ नहीं बनाया, बता चाचा कैसी कैसी थी। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, अच्छी थी। इधर शक्ल देखिए पूरी उड़ चुकी है, तभी मैंने कड़वा कड़वा, इसमें कम लगाया ना, इसने कुछ है ही नहीं, कम लगाया ना इसने। यार तवा जल रहा है, अरे यार मेरा तवा मतलब कढ़ाई, हड़ो हड़ो हड़ो, उर ओ शिट, रुक जाओ। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, आधा दो, आधा पूरा नहीं खाएंगे, आज क्या है, उसी का लड्डू प्रसाद है, आप लोग भी खा लीजिए। इधर दिखाएं, रख दे, रेसिपी दिखाई क्या, नहीं कट करो फिर दिखाएं, कट करो, कट। ये हो चुकी है बनके रेडी, सॉफ्ट है,
टेस्ट खराब हो गया। ये बच्चों को नहीं अच्छा लगेगा ज्यादा। कम मीठा जी, थोड़ा सा टेस्ट खराब हो गया। आरती कर दो अब तुम। अरे खा तू लेने दो, नदी तो आरती कर दो, नदी का पिटाई कर देंगे। मार देना तुम, नदी लड़ो नहीं, आरती करो जा, लड़ाई भिड़ाई बंद करो, पानी पी के आरती करो। ये मेरा थोड़ा सा दीदी करा दो यार। नहीं नहीं वो तो चाकू चाकू है, मतलब बहुत धार वाला चाकू है। देखो जबरदस्ती, थैंक यू, मार दूंगी। अच्छा तुम काट नहीं पड़े, इतना अच्छा चाकू फिर भी इतना बेकार चाकू है। सॉफ्ट हो गई मुझे लगता है। ले जाओ, चलो ले जाओ, जिद करके देखो। जिद्दी को उससे ले लिया, अब हाथ धुलो और फिर पानी पियो, तब इसको काटो। मैं मतलब इसका लुक दिखा, वाह कितना आटा जना जना लगा। महिमा वाली में इतनी सारी मियोनी और घी लगाए, वाह वाह। फोकस हो गया, फोकस ये लग रही है ना, एक बार जब गार्डन हाँ। पर बनाई थी मम्मा की, तो तुमने बहुत लगा दी इसलिए बीच में वो हो गई है। मम्मा ने तो कड़वा, वो गार्लिक ब्रेड थी तुम लोगों ने, इसमें ये नई हम लोगों ने इन्वेंशन की ना, महिमा ने, नैतिक ने, अरे ये नैतिक ने नई रेसिपी इन्वेंशन की है, इसको हम जरूर आप लोगों के साथ एक दिन रेसिपी शेयर करेंगे। कुछ नहीं है तो इतनी ले ले, फिर कुछ नहीं है तो जी नहीं, नहीं थोड़ी सी ले ले तो थोड़ी सी बचा देना। पंडित जी क्या कर रहे हैं आप? गाली बैठ खाने के बाद खाने के बाद पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। चलो अच्छा पूजा कर लो, फिर मिलते हैं तुमसे हम। तो उसके बाद मैं आ गई थी इनके दोस्त के यहाँ, भैया के यहाँ। भैया ने एक्चुअली, मैं अचानक से फ़ोन किया तो बोले कि भाभी चोखा बाटी बना रही हैं तो आओ खाओ आके। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। भैया के यहाँ ये है डॉगी लेब्रा, इसका नाम है रॉक्सी, और ये हम लोगों को इतना पहचानती है, इतना पहचानती है, जबकि रोज़ रोज़ नहीं जाते हम लोग, कभी कभार ही जाते हैं। उसमें भी ये इतना पहचानती है कि देखते ही दौड़ती है और खेलती है। हम दोनों ही लोग हैं तो बारी बारी से पहले इनके पास जा रही है, फिर मेरे पास आ रही है, बहुत पहचानती है। तो बस अचानक से भैया का फ़ोन गया, इस समय 8 बज रहा था। तो पहले ये मना कर रहे थे, हम भी मना कर रहे थे, फिर बोले नहीं आओ, भाभी चोखा बाटी बना रही हैं और भाभी चोखा बाटी बहुत टेस्टी बनाती हैं, और जो बाटियाँ हैं भाभी वो तंदूर में बनाती हैं, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग रॉक्सी के साथ थोड़ा बहुत खेलेंगे, और फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, बातें बातें करी, फिर सब सामान बनाया बनाया। उसके बाद ये देखिए चोखा बाटी तैयार है भाभी का, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, देख कर ही मुझे लग रहा है मुझे फिर से मिल जाए खाने के लिए। तो यहाँ पर भैया ये और भैया का जो बेटा है, ये तीनों लोग खा रहे हैं। रॉक्सी भी बैठी है, ये भी खाती है बाटी, इसको पसंद है। तो भैया बिठाए हैं, तो ये बगल में भैया देते जाएंगे तो ये खाएगी, और देखिए मुझसे सेकंड कर रही थी। तो यहाँ पर अभी भैया हाथ वहाँ धुलने गए थे, बेटू और ये बैठे हैं, और यहाँ पर ये चलाए थे वेब सीरीज थी गुल्लक, हाँ बहुत अच्छी, मुझे अच्छी लगी, थोड़ी ही देखी है हम लोगों ने। तो बस ये देखते जा रहे थे, और यहाँ पर ये लोग खाते जा रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे। टाइम हो रहा था रात का 10:30 तो भैया का फ़ोन गया, 8:15 तक हम लोग पहुँचे हैं। फिर उसके बाद बना वना तब खाना शुरुआत की थी। तो अभी ये लोग पहले तीनों लोग खा रहे हैं, फिर उसके बाद हम दोनों लोग खाएंगे। तो वही मैं इनसे पूछ रही थी कैसी बनी है, तो ये बोल रहे हैं अच्छी बनी है। तो भैया कह रहे थे थोड़ा सा मुँह से बोल के बताओ, बट उन्हें क्या पता कि मैं वॉइस ओवर करूँगी, तो आवाज़ इनकी आई नहीं। तो यहाँ पर ये तीनों लोग खा रहे हैं। अब चलिए चलते हैं, आपको किचन में दिखाते हैं भाभी क्या कर रही है। सारा काम हम दोनों ने मिलकर कर लिया था, लेकिन जो बाटी सेकने का काम था वो भाभी कर रही थी, मैं इन लोगों को खिलाती जा रही थी, और कुछ जो लास्ट में जो आटा बचा था उससे भाभी ने ये रोटियाँ बनाई थी, ये भी इसी में ही सेकेंगी, तंदूर में बहुत अच्छी लगती हैं, यम्मी सी। तो ये देखिए भाभी यहाँ पर रोटियाँ, वो बाटियाँ जो हैं वो सेक रही हैं, और बहुत टेस्टी बनी थी। उसके बाद ये है अगले दिन की क्लिप। बिट्टो एक्चुअली मैं कल गई थी अपने गांव, मेला लगा हुआ था मेला देखने, तो वहाँ से ये क्यूट क्यूट से ये कप प्लेट और ये केतली का सेट लेकर आई थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। बड़ा क्यूट लग रहा था, बहुत छोटे छोटे से थे और बड़े प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर इसके ना हाथ में कोई दाना सा निकला था, तो बोल रही थी सबको दिखाओ, देखो मेरे चोट लग गई है। इसमें ही सुबह सुबह से उसका मूड ख़राब था थोड़ी सी, मतलब दुखी दुखी सी थी। तो यहाँ पर महिमा ऊपर से तुरंत उसको भी दिखा रही, देखो दीदी मेरे चोट लग गई है, और रो भी रही थी, मुंह बना रही थी। अभी आगे आप लोगों को इसका चेहरा दिखेगा। और महिमा को भी ना इन सारे खिलौनों से बड़ा प्यार है, वो उसको ना अभी भी आप ये सब खिलौने दे दो तो वो घंटों बिता देगी खेलने में, उसको अच्छा लगता है। तो ये देखिए कैसे आंसू भी निकल रहे थे, मुंह बनाए थी कि मेरे लग गई है, मेरे लग गई। मैं कह रही सबसे हाई कर दो, कहती नहीं करेंगे, मेरा मन नहीं है।
मैंने काफ़ी देर तक कहा तो बोली नहीं हटाओ, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूँगी किसी से हाय, वरना वो वीडियो के लिए तैयार रहती है। और ये है पाखी स्वरा, ये आप लोगों को दिखाया होगा जो कन्या पूजन वाले वीडियो में भी आई थी, भैया की बेटी। तो भैया एक्चुअली में शाम को आ जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, तो ये भी आ जाती है। इससे क्या होगा, ये पहचानने लगेगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो भैया का बेटा है वो बिल्कुल भी पहचानता नहीं था हम लोगों को। तो अब भैया इसको छोटे से ही लेके आते हैं ताकि ये पहचानने लगे। तो बस ऐसे ही आगे बैठी हुई थी, वैसे खूब चुलबुली है, लेकिन ये ना मैंने कैमरा ऑन करके फ्लैश चला दिया तो उसमें ये थोड़ा सा शांत हो गई थी, वरना ऐसे बहुत चुलबुली है, हंसती है, खेलती है। ये बेटो हाय कर दो। हाय। पर हम तो बाय करने आए बेटो, आप हाय कर रही हो। हाँ, हाँ हम लोग तो बाय करने आए हैं। हाँ, तो कैसा लगा आप लोगों को पूरा वीडियो और इन बच्चों की रेसिपी सैंडविच वाली? पर थी बहुत टेस्टी, यम्मी बहुत लग रही थी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, जिस तरह से बच्चों ने बनाई उसी तरह से। और ये भी वीडियो एक दो दिन के अंदर ही इकट्ठे, एक दिन का नहीं है, टुकड़ों में बन पाया है। और बिट्टो ने, मैंने आपको वो खिलौना दिखाया था जो आप मेला से लाई थी, कहाँ है? केतली, कप, चाय पीने वाले? घर में है। लगा दिया ठीक से। चलो ठीक है फिर, चलो हम लोग तो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक करें टेक केयर, बाय बाय। बाय करो, बाय। तो फिर मिलेंगे, राधे राधे, जय श्री राधे। बिट्टो सबको सुना दो, ओम बुआ ये क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। तो ये बिट्टो को ना नवरात्र में जब माता रानी बैठी थी तो बिट्टो पर डे आती थी, बैठ के हाथ जोड़ती थी और मुझसे बोलती थी मैं बोलो, तो मैं बोलती थी, बिट्टो मुझे रिपीट करती थी और बिट्टो को याद हो गया है, बिट्टो को याद हो गया है। तो चलिए फिर मिलूंगी, बाय बाय।